काला पानी देश की एक ऐसी जगह पर आधारित है जिसको शायद ही किसी फिल्म या शो ने तसल्ली से दर्शाया हो, दी एंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस शो का नाम सुनकर मुझे सीधा उस जेल की याद आती है जहां ब्रिटिश एम्पायर द्वारा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बनाया जाता था। काला पानी में एक जगह को पर शो देखकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि ये कोई जेल की डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि ये कहानी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर मौजूद लोगों की। ये कहानी है उन टूरिस्ट की जो लाखों की तादाद में घूमने निकले हैं। शो में मशहूर डायरेक्टर आशुतोष गवारिकर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, जो लगान और जोधा अकबर जैसी ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वैसे ये दोनों फिल्में भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पर काला पानी को फ्यूचर में साल 2027 में सेट किया गया है, जिसमें कुछ मिस्टीरियस सिंबल्स भी दिखते हैं, साथ में कुछ झलक उन इंडिजिनस नेटिव्स की, उस आइलैंड के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जिनकी कहानी इस शो को और दिलचस्प बना देती है। यहाँ एक नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन का एंगल भी है। एक फेस्टिवल को अटेंड करते समय लाखों लोग इन आइलैंड्स पर फंस जाते हैं और इस नेचुरल काला पानी से निकलने की कोशिश करते हैं। मोना सिंह एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आती हैं, जिन्होंने पिछले साल लाल सिंह चड्ढा के साथ बड़े पर्दे पर अपनी वापसी की थी। पर इससे पहले हम ये जाने कि आइलैंड्स पानी की दीवारों की एक जेल कैसे बने, चलिए डीकोड करते हैं द अंडमान एंड निकोबार की फैसिनेटिंग टेरिटरी को। बे ऑफ बंगाल में पाए जाने वाले लगभग 836 आइलैंड्स को आज हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। ये साल 1956 से इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी रहे हैं। नॉर्थ के आइलैंड्स के ग्रुप को अंडमान और साउथ के आइलैंड्स के ग्रुप को निकोबार बोला जाता है। 1789 में अंडमान में ब्रिटिश की एंट्री होती है। ये ब्रिटिश लोग एक पीनल कॉलोनी एस्टैब्लिश करने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे जहां इंडियन मेनलैंड से ऑफेंडर्स को लाकर रखा जा सके। इनको परमानेंटली एस्टैब्लिश करने में करीब 69 ईयर्स लग गए और साल 1858 में जाकर जन्म होता है पोर्ट ब्लेयर शहर का। ये वही शहर जो कि आज के दिन इन आइलैंड्स की कैपिटल भी है। वो इन आइलैंड्स पर कैदियों को लाकर रखते थे, लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर जेल बनाने का फैसला लिया जाता है, जो कि साल 1906 में जाकर तैयार होती है। इस जेल को हम जानते हैं काला पानी के नाम से। काला पानी को एक सेल्युलर जेल भी बोला जाता है, क्योंकि हर प्रिजनर को एक 4.7 मीटर बाय 2.5 मीटर के सेल में अकेले रखा जाता था। साल 1937 की बात है कि सैकड़ों लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करी इस जेल में, और गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इंटरवेंशन किया तो उसके बाद जाकर 1939 में पूरी जेल को खाली करा दिया गया। जेल से हटकर अगर इन आइलैंड्स की बात करी जाए तो यहाँ पर मौजूद 40% बर्ड्स और 60% मैमल्स एंडेमिक है। मतलब ये ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ दुनिया में यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं। इसके अलावा इंडिया के 75 में से 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG भी इन्हीं आइलैंड्स को बिलोंग करते हैं। ये 5 ग्रुप्स हैं ग्रेट एंडमनीज, जारावाज, ओंगेज, शोम्पेन और सेंटिनलीज। 2011 के सेंसस के अनुसार इनकी जनसंख्या केवल 769 थी। 769,000 नहीं, 769,000 भी नहीं, सिर्फ 769। इमेजिन करके देखो कि ये कितनी कम संख्या है कि इन सबको एक बोइंग 777 हवाई जहाज में फिट किया जा सकता है। लेकिन आज के दिन ये आइलैंड्स एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। 2019 में 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने इन आइलैंड्स को विजिट किया, जिनकी खुद की पॉपुलेशन 4.5 लाख से भी कम। इन आइलैंड्स पर ट्रैकिंग के समय या कैजुअली टहलते समय भी एक कॉन्स्टेंट ट्रॉपिकल फील आती है, और स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये काफ़ी पॉपुलर है। पहली बार स्कूबा डाइव करने का एक्सपीरियंस भी मैंने इन अंडमान आइलैंड्स में ही किया था। यहाँ कई सारे अलग अलग पॉपुलर आइलैंड्स हैं, जैसे कि नील आइलैंड, रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड। क्या आप जानते हो हैवलॉक आइलैंड का राधानगर बीच दुनिया का 7th बेस्ट बीच माना जाता है। काला पानी जेल को भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसे आज के दिन एस्केप करना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये केवल एक म्यूजियम है। अब इन आइलैंड्स का क्लाइमेट जरूर ट्रॉपिकल हो, लेकिन इस शो में हालात कुछ खास ट्रॉपिकल या ब्रीजी नहीं दिखते। लाखों टूरिस्ट इन आइलैंड पर फंसे हुए हैं और एक सर्वाइवल मोड में नजर आते हैं। फैमिलीज एक दूसरे से अलग होने लगती हैं और हर मोड पर कैरेक्टर्स एक एथिकल डिलेमा फेस करते हैं। इन्हें ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि आदमी अपने सर्वाइवल के लिए किस हद तक जा सकता है।
ऐसे सर्वाइवल शोज देखते समय मैं अक्सर खुद को उन सर्वाइवल सिचुएशंस में डालकर देखता हूँ और पूछता हूँ अपने आप से कि अगर इस जगह पर मैं होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, मैं यहाँ पर क्या कर रहा होता। इस शो में लेकिन काला पानी शब्द को एक मेटाफर की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये एक स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस इंडिकेट करे। शो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, दुनिया में जितने भी जीव हैं दे आर ऑल सर्वाइवर्स। इसने मुझे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रेज की याद दिलाई। क्या ऐसे केसेस में सर्वाइव करने के लिए कुछ लोग बाकियों से ज्यादा फिट हैं? हमको इस शो में टूरिस्ट के अलावा लोकल गाइड्स, बिजनेसमैन और ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स लोग भी दिखते हैं। कितना इन्फ्लुएंस होगा लोगों के पैसे और पावर का उनके सर्वाइवल में? इसका जवाब एक इंटरेस्टिंग और इंटेंस एथिकल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बाहर आता है, खास तौर पर जब हम जानते हैं कि कैसे सारे किरदारों की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। इंडिजिनस ट्राइब्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस शो में, जिनको ओराकाज बुलाया गया है। ये एक्चुअली में किसी ट्राइब का नाम नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल ट्राइब शो के लिए इन्होंने इन्वेंट करी है, लेकिन उन लोगों की साधारण जिंदगी और नेचर के साथ उनके कनेक्शन को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। असल जिंदगी में ये सब लोग फॉरेस्ट रिजर्व्स पर डिपेंडेंट होते हैं। आज के दिन इन आइलैंड्स पर काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, 9 नेशनल पार्क्स, 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। लिटिल अंडमान आइलैंड का तो 90% एरिया ही एक रिजर्व फॉरेस्ट है और 70% एरिया ओंगेस ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 की यूएन की रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ये आइलैंड्स बढ़ते सी लेवल्स के कारण एक्सट्रीम रिस्क पर हैं। आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आइलैंड्स अनइनहैबिटेबल भी हो सकते हैं। इसी क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश ने 650 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर पेड़ लगाने के लिए एक एफॉरेस्टेशन ड्राइव ऑफर की थी। आप सोच रहे होंगे कि ओराकास टूरिस्ट और बाकी लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं और क्या दो ग्रुप्स के बीच में कोई टकराव होता है? क्या है वो मिस्टीरियस सिंबल जिसकी कुछ झलक हमें नजर आती है बीच बीच में? क्या ये नेटिव ट्राइब्स से संबंधित है या फिर शो में कोई माइथोलॉजिकल एलिमेंट भी है? सवाल कई हैं लेकिन इनके जवाब मैं भी नहीं दे सकता। फॉर्चुनेटली ये सारे जवाब आपके फोन्स, लैपटॉप्स और टीवी स्क्रीन्स पर अवेलेबल हैं, क्योंकि काला पानी इज नाउ स्ट्रीमिंग ओनली ऑन नेटफ्लिक्स।